में दूर बैठी, कल उल्टी नहीं आई, आज रात भर 2 बजे से उल्टियाँ कर रही हैं बेचारी की, मुंह उतर गया है। कोई बात नहीं, पानी पियो तुम, सिर नहीं दुखेगा ज्यादा, है ना। ये रही मम्मी, मेरे पापा जी। गुड मॉर्निंग पापा जी, गुड मॉर्निंग मामा जी। तो देखो मेरे मामा ये रहे मेरे पापा। इस ब्लॉगिंग और स्टडीज वगैरह जितनी भी हैं वो अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी और मेरी मम्मी को भी खुश रखूँगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अंशु सपना की रियल ननद नहीं है और अंशु बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंस गई थी बीच में, इसलिए अंशु को सपना के जो ससुर जी हैं उन्होंने अंशु के पापा को कॉल करके खासकर अंशु को यहाँ से भेज दिया था। जी हाँ दोस्तों, पहले ये सब कुछ नाटक लग रहा था। हम आपको पूरी वीडियो की सच्चाई बताएंगे कि अभी अंशु कहाँ है और आखिर इन लोगों ने सपना के साथ इतनी बड़ी प्लानिंग क्यों करी, सिर्फ सपना को उस घर से बाहर फेंकने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सपना हमेशा बोलती थी कि अंशु मेरी कमज़ोरी है, अंशु के बगैर मैं रह नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले जब सपना ने घर की बातें बाहर बताना शुरू करा, इनके घर के जो इतने राज दफने, सपना के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ है, तो सबसे पहले अंशु को हटाने का सोचा इन लोगों ने। तब सपना की जो सास के मायके वाले हैं उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलके सपना की सास ससुर के साथ मिलके एक प्लानिंग बनाई है कि आखिर सपना को बाहर किस तरीके से निकाला जाए। सपना को ऐसे बोलेंगे तो सपना तो निकलेगी नहीं, क्योंकि वो बोलती है मैं बहू हूँ, मेरा अधिकार है, तो क्यों ना हम अंशु को दूर करें। तो हुआ भी यूँ, अंशु को दूर किया, सपना भी चली गई। अंशु जो सपना, अंशु के पापा का ही सब कुछ किया कर्म है। सबसे पहले सपना के सास और जो ससुर के दिमाग में जो शक का बीज था कि सपना तीसरी शादी करने लेगी और सपना चली जाएगी, सारा प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेगी, ये बीज अंशु के पापा ने और अंशु के भाई ने ही सपना के सास ससुर के दिमाग में बोया था। जी हाँ दोस्तों, अंशु को तो फिलहाल अपने घर उसके पापा लेके चले गए हैं, पर कितने दिन के लिए रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है अंशु थोड़े दिन बाद वापस आ जाए। ये सब सपना को निकालने की, हो सकता है कि इन लोगों की मिली भगत हो कि अंशु को अभी ले जाओ और सपना चले जाने के कुछ दिन बाद जब हम मथुरा वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसका अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, तब हम अंशु को वापस बुला लेंगे। जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, सपना के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ।